केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम, मैं हूं ओंकार झा। अब गांव की सरकार चुनने की बारी आ गई है। कुछ ही दिनों में अब आचार संहिता लग जाएगा और पंचायती चुनाव का भी दौर है, इसीलिए भागलपुर से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पे सहनो पंचायत पे बात करते हैं यहाँ के भावी प्रत्याशी रवि कुमार यादव और उर्फ लड्डू जी से। आपके चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ने का उद्देश्य यही है कि हम चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में काम करूंगा, सच्चा विकास जो होगा वो करेंगे। मतलब पंचायत का विकास और जनता की सेवा करना। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे? चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में, किसान के हित में काम करूंगा। जैसे किसान के हित में नाला हुआ, पोखर खुदाई हुआ, गली नली का जो भी काम होगा मैं वो काम करूंगा। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 10 वार्ड हैं। 10 वार्ड में समस्या क्या क्या होगी? 10 वार्ड में तो अभी समस्या जहाँ तक पानी की किल्लत होती है, उसके लिए भी मैं पानी का सुविधा करूंगा गांव में। क्या करेंगे पानी की सुविधा के लिए? पानी के लिए सुविधा के लिए हम भागलपुर तक जाएंगे, प्रखंड तक जाएंगे, वहाँ से जो लाने का काम होगा, बोरिंग स्टेट जो भी होगा, हम या वार्ड तक, पंचायत तक पहुंचाने का काम करूँ। वार्ड नंबर 2 में क्या समस्या होगी? वार्ड नंबर 2 में तो सर अभी तो बारिश का समय है, तो यहाँ पानी मिल रहा है और थोड़ी देर के बाद जैसे बारिश समाप्त हो जाएगा तो यहाँ पानी का बहुत किल्लत होता है। अच्छा, पानी की समस्या आपके हर वार्ड में है? हाँ है। सड़क भी खराब है। तो आप चुनाव जीतने के बाद उसको क्या करेंगे? ठीक करवाएंगे, मरम्मत करवाएंगे, बनवाएंगे, कैसे क्या? उसको अच्छी तरह से बनवाने का काम करूंगा। आपके पंचायत में शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे? शिक्षा का व्यवस्था ठीक नहीं है तो मैं जैसे यहाँ मैट्रिक तक होना था, अभी नहीं हुआ है। अगर यदि उसको वहाँ जिला से लाना होगा तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। सारे जनता के बीच में बैठूंगा, बुजुर्ग लोग के साथ बैठूंगा, युवाओं को लेकर के बैठूंगा और उसके बारे में सोचूंगा। अच्छा, पदाधिकारी से बात करके? हाँ, पदाधिकारी शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। हाँ करेंगे। आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की भी व्यवस्था नहीं है? नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए हम भागलपुर तक जाएंगे। भागलपुर तक जाएंगे, वहाँ भी पदाधिकारी से बात करके उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करवाऊंगा। आपके पंचायत में खेलकूद का मैदान भी नहीं है? खेलकूद का मैदान नहीं है। और मैं आज से 2-4 महीना पहले हमारे गांव में युवा लोग जो है, कौन क्रिकेट बोलते हैं, टूर्नामेंट जो आ रहा था, मैं उसमें युवाओं के साथ था और उसको मैं खिलाने का भी काम किया और मैं वादा किया हूँ कि अगर यदि मैं मुखिया बनूंगा तो युवाओं के साथ रहूंगा, यहाँ से प्रखंड से जिला स्तर तक ले जाने का काम करूंगा। 5 काम ऐसे बताएं जिसको प्राथमिकता देंगे। देखिए, 5 काम सबसे पहले, पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा जैसे गली नली सड़क, इस पे ध्यान देंगे। दूसरा बताएं? दूसरा बताऊंगा कि रोड नाला, रोड उड का जहाँ नहीं है उसको मैं पूरा करूंगा। तीसरा तो किसान का है, जो कि मैं किसान के साथ भी बैठ करके किसान से बात करेंगे, कहाँ नाला का जरूरी है, कहाँ पुल पुलिया का जरूरी है, वो सब भी मैं पूरा करने का वादा करूंगा और साथ रहूंगा आगे चल करके भी।
चौथा तो जैसे शिक्षा है, शिक्षा के बारे में भी बात करेंगे। हर समय मैं युवाओं के साथ रहूंगा, गांव में जो भी समस्या होगा मैं 10 से निर्णय लेकर के ही कुछ काम करूंगा। इस बार आप इस पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करना चाहूंगा मैं कि बार बार जो है कि हरेक 5 वर्ष पे चुनाव होता है, एवरी बार युवाओं पे ध्यान, मतलब इस बार आपको मौका दिया जाए। हाँ, तो मौका दिया जाए, मौका दिया जाएगा तो आप उनके विश्वास पे खरा उतरेंगे। हाँ, खरा उतरेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार यादव उर्फ लड्डू यादव, और मैं युवाओं से और समस्त ग्रामीणों के साथ, पहले भी मैं जो सचिव पद पे रह रहा हूँ, अभी हूँ सचिव भी, मैंने 2017 में जीत हासिल किया था। कौन सा पंचायत है आपका? सेनो पंचायत। की तरफ से क्या क्या सुविधा प्रदान किया गया है? कोई सुविधा नहीं, बनाया उनको सोच के। अच्छा, काम नहीं, वोट लेने रखती एकदम बढ़िया है। वोट बनाने के बाद बहुत देर खत्म आदमी तरह से काम करता है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम किया है। न किसान के मिला ला, न गेहूँ चावल फायदा उठाया, कुछ नहीं उठाते। उनके बाद मेरे जो जितने भी समाज में आदमी थे, हम लोग एकत्रित होकर कैंडिडेट हम अपने मन से चुन लिए और लगभग ज़्यादा कम लोग वोट देंगे बे पैसा के लिए खर्च। उनके लिए कम मुखिया अगर फिर बनेगा तो फिर गांव छोड़कर भागना भी पड़ जाएगा, ऐसा उनका मुखिया नहीं चाहिए। गोपाल यादव, इस पंचायत में मुखिया जी क्या क्या काम किया? काम तो जो किया है ये अपना स्वार्थ के लिए कहीं किया है कहीं नहीं किया है, समझे ना। और जो हम लोग चाहते हैं कि नए काम बढ़िया होना चाहिए सबके, जो करे काम को, ये नहीं कि एक के आदमी करे 10 आदमी। आप उनके काम से संतुष्ट हैं क्या? मुखिया जी के काम से क्या संतुष्ट हो गए? किधर जो कहते हैं उधर नहीं करता है, जो करता है उधर करता है। इस बार आप किसको वोट देंगे? वोट तो भाई जो बढ़िया आदमी होगा व्यक्ति उनको दिया जाएगा। ठीक। इस पंचायत में मुखिया जी क्या क्या काम किए हैं जिससे आप संतुष्ट हैं? हम लोग तो कुछ भी संतुष्ट नहीं है मुखिया जी के काम से, काम से संतुष्ट नहीं। क्या सड़क तो मिला हुआ है गांव में? सड़क है तो ये सड़क मुखिया जी नहीं बनाए। अच्छा, ये बाहर का ठेकेदार था वही बना है। हम लोग का जो घर रहते हैं सर मेन रोड से। आपको इंदिरा आवास मिला है? नहीं। तो राशन कार्ड में नाम है, राशन मिलता है? हाँ, राशन की मनमानी चल रही है। हाँ, डीलर की तो मनमानी चल रही है। यानी आप, आपका कहने का मतलब ये है कि आप मुखिया जी के काम से एकदम संतुष्ट नहीं? नहीं सर। इस बार वोट किसको दीजिएगा? हम लड्डू यादव को देंगे, रवि कुमार को लड्डू यादव। कहीं इसका तो ये नहीं है पैसा का? हाँ, पैसा नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं सर, हम ऐसे देंगे, निस्वार्थ भाव से देंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।